Hey guys, welcome back to my channel Trading University. So guys, आज हम बात करेंगे एक ऐसे candlestick के बारे में, एक ऐसे chart के बारे में कि अक्सर उसके बारे में बात ही नहीं करी जाती, लोगों को पता ही नहीं होता। जो 99% ऑफ ट्रेडर्स होंगे guys, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उन लोगों को नहीं पता होगा कि एक ऐसी भी चीज़ होती है, कुछ ऐसा भी होता है कि जिसके थ्रू हम ट्रेंड को रिकोगनाइज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। गाइज हम अभी तक क्या करते थे, हम अभी तक बात करते थे जो हमारा candlestick chart होता है, अभी तक हम बस उसी के बारे में बात करते थे कि जो हमारा कैंडलस्टिक चार्ट होता है जिसपे नॉर्मल भाई चलो ये हमारा चार्ट है, इस पर छोटी कैंडल्स बन रही हैं, बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, डोजी बन रही हैं, ये जो हमारा कैंडलस्टिक चार्ट होता था खाली इसी के बारे में हम बात करते थे जो आपका कैंडलस्टिक चार्ट होता है। और होता क्या, एक और भी चार्ट होता है इसके बारे में तो आपने सुन रखा होगा जो कि आपका होता है लाइन चार्ट। ठीक है, लाइन चार्ट में क्या होता है, लाइन चार्ट आपको देता है एवरेज, बताता है एवरेज में मतलब क्या है, उसमें कैंडलस्टिक फॉर्म नहीं होती, उसमें फॉर्म होती है लाइंस, ऐसे ऐसे लाइंस मिलेंगी आपको। ये होता है आपका कैंडलस्टिक का चार्ट, ये होता है आपका लाइन चार्ट। ठीक है, और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आज हमारी वीडियो रहेगी वो होगा हमारा हाइकनाशी, कहते हैं इसको हाइकनाशी। और गाइस आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी हाइकनाशी के ऊपर, हाइकनाशी जो कि एक चार्ट होता है। हाइकनाशी यार होता क्या है यार, भैया हमने कैंडलस्टिक के बारे में सुना है, हमने लाइन चार्ट के बारे में सुना, ये हाइकनाशी चार्ट कौन सा होता है और क्या सिग्निफिकेंस होती है और ये क्या बताता है। सो गाइस पहली बात तो आपको पता नहीं चाहिए कि जो अतरंगी सा नाम है ना ये क्यों रखा गया है। सो दिस इज अ जापानीज नेम, हाइकनाशी इज अ जापानीज नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दिस, इट्स अ जापानीज नेम। और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है इसका, हाइकन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है, और आशी का मतलब होता है बार। सो व्हाट दिस चार्ट डज, इट टेल्स यू द एवरेज बार। एवरेज बार से मेरा मतलब क्या है, एवरेज बार से मेरा मतलब है एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस किस चीज का, एवरेज प्राइस ऑफ द कैंडलस्टिक्स, कैंडलस्टिक्स चार्ट। अब गाइस होता क्या है, हमने चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, चार हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी पढ़ी है, जो हमने चार इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है एक कैंडलस्टिक में, एक कैंडलस्टिक में हमने इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी है कि चार प्राइसेस होते हैं उसके, एक होता है आपका ओपन प्राइस, ठीक है, एक होता है आपका क्लोज प्राइस, एक होता है आपका हाई, एक होता है आपका लो। अब हमें ये पता है कि मान लो अगर ये एक हमारी कैंडलस्टिक है, ठीक है, ये हमारी कैंडलस्टिक है कोई, मैं ग्रीन ले लो रेड ले लो, बस उसमें कुछ वैल्यूज चेंज होगी अभी बात करेंगे। मान लो ग्रीन कैंडल है कोई, कोई भी ग्रीन कैंडल है जिसकी एक बॉडी है और ऊपर नीचे दो विक्स हैं, इनको विक्स कहते हैं, ठीक है गाइस, इसको कहते हैं विक्स, ठीक है, और इसको कहते हैं बॉडी, ओके ये तो हमें पता है। अगर आपने मेरी बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक की वीडियो इसी चैनल पे ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी पे नहीं देखी तो गो चेक इट आउट, आप लोगों को काफी चीजें पता चलेंगी जिनके बारे में बात ही नहीं करी जाती। सो गाइस अभी हमने बात कर ली कि चार प्राइसेस होते हैं, एक होता है हमारा ओपन, एक होता है हाई, एक होता है लो और एक होता है क्लोज, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया हाई, ठीक है, दिस इज हाई ऑफ द कैंडल, ठीक है, जब ये बन चुकी है, अब देखो हाई ऑफ द कैंडल, अब देखो ये होगा लो, ठीक है, मतलब ये लोएस्ट प्राइस था जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी। अब किसी भी टाइम फ्रेम पे मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ, चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम अगर ये कैंडल, एक हमारी कैंडल फॉर्म हुई है, सो उसका हाई प्राइस क्या था, उसका लोएस्ट प्राइस क्या था, मान लो यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, या फिर मान लो यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, डिपेंडिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है गाइस, अभी हमने बात करी हाइकनाशी जो हमारा एक कैंडलस्टिक होती है, जो हमारा एक चार्ट पैटर्न होता है, चार्ट पैटर्न में इसको क्यों बोल रहा हूँ, लाइन ग्राफ आपका चार्ट पैटर्न होता है, आपका जो कैंडलस्टिक होती है वो अलग टाइप का चार्ट होता है और हाइकनाशी भी आपका एक अलग टाइप का चार्ट होता है, बट उसकी सिग्निफिकेंस रहती है इन आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, ठीक है। हाइकनाशी जो है आपका, ये रहा आपका हाइकनाशी, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। अब ट्रेंड से मेरा मतलब क्या है, ट्रेंड से मेरा मतलब है जो मार्केट का मोमेंटम है ना, मोमेंटम से मेरा मतलब क्या है, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। अभी हम क्या करेंगे, अभी तो हम बस बात कर रहे हैं, अभी मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि एक नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट जो हमें पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी, हमारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी से हमें पता है, एक कैंडलस्टिक चार्ट तो हमें पढ़ना आता है, हम उस पर डेली ट्रेड्स करते हैं, हम उसमें इन्वेस्टिंग करते हैं, बट एक हाइकनाशी का जो चार्ट है वो साइड बाय साइड कंपेयर करके देखेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि दोनों में फर्क क्या होता है। जो हमने एवरेज बार के बारे में बात करी, जो एवरेज प्राइस के बारे में बात करी और हमने जो ओपन हाई लो क्लोज जो एक नॉर्मल कैंडल होती है उसका क्या फर्क होता है वो हम बात करेंगे। पहले तो ये बताना चाहिए कि यूज क्यों होता है। सो गाइस वो यूज होता है टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। ट्रेंड से मेरा मतलब क्या है, दो तरीके के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। एक और मान लो वो होती है अभी कंसोलिडेशन, बस ये नहीं बताता, ये कंसोलिडेशन नहीं बताता आपकी,
ठीक है, नॉर्मल जो कैंडल स्टिक जिस पर हम ट्रेड करते हैं वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन तीनों बताती है, बट जो हाइकनाशी जो आपका चार्ट होता है इट ओनली एंड ओनली टेल्स यू अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। अब हमें मेन चीज की क्या बात करनी थी, अभी हमने बात करी कि जो हमारा नॉर्मल कैंडल स्टिक होता है, जो हमारा नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट होता है उसमें हमने चार वैल्यूज चार प्राइजेस के बारे में बात करी, ओपन क्लोज हाई लो, ठीक है। अब एक चीज देखो, सारी कहानी इसमें कहानी क्या, अब ये सुनो ढंग से सुनते रहना, पूरा मजा आएगा आप लोगों को, और इसका भी चार्ट भी खोल के दिखाऊंगा, जब इसका चार्ट खोल के दिखाऊंगा आप लोगों को मजा आ जाएगा कि ये कितने ब्यूटीफुली वर्क करता है, कितना ब्यूटीफुली बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और सबसे मेन चीज अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से जितना मेरे को टाइम हो गया अपने स्टॉक मार्केट्स में, जितना मैंने टाइम स्पेंड किया चार्ट पे, ये आपको चीज कहीं नहीं मिलेगी, हाइकनाशी आशी इज नॉट अ चार्ट। Although वो चार्ट में सब उसको बताते हैं पढ़ाते हैं सारा ज्ञान कि वो एक तरीके का चार्ट होता है, बट हाइकनाशी इज एन इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्यों है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि अप ट्रेंड कब होगा या कब आएगा, या डाउन ट्रेंड अगर अभी चल रहा है तो वो कब खत्म होगा, अप ट्रेंड अभी चल रहा है तो कब खत्म होगा, डिपेंडिंग इसमें जो कैंडल स्टिक्स फॉर्म हो रही है। इसमें भी पूरी कहानी का कैंडल स्टिक्स की है, ये हर चीज में आती है कैंडल स्टिक का कॉन्सेप्ट, बट इसमें अब हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या जानने वाली, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है कि इसमें जो हाई लो और आपका ओपन और क्लोज प्राइस होता है जो एक नॉर्मल कैंडल स्टिक में होता है उसको इसमें कैसे प्रेडिक्ट करते हैं गाइस। इसमें आपको पहली बात ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल कैंडल स्टिक होती है, नॉर्मल कैंडल स्टिक से मेरा मतलब है जो हमारा नॉर्मल कैंडल स्टिक का चार्ट होता है, ठीक है, नॉर्मल कैंडल्स का जो हमारा चार्ट होता है जिसमें हम अभी भी ट्रेड करते हैं, साइड बाय साइड कंपैरिजन में बताऊंगा, अभी मैं बोल रहा हूँ जो नॉर्मल हमारा कैंडल्स का चार्ट होता है, ठीक है, नॉर्मल हमारा जो कैंडल्स का चार्ट होता है उसमें जो प्राइजेस होते हैं ना, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। अब ये जो चार प्राइजेस होते हैं ना, ठीक है, जो हाइकनाशी जो हमारा चार्ट होता है उसमें जो ये ओपन हाई लो क्लोज होते हैं वो इनको यूज करके कैलकुलेट करते हैं। पूरी कहानी इसमें इनडेप्थ नहीं जाएंगे, फॉर्मूले वगैरह होते हैं आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है उनकी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी जो कैंडल्स होती है ना, हमारी जो कैंडल्स होती है उसका जो ओपन हाई लो क्लोज प्राइस जो होता है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं उनकी जब वैल्यूज हमें पता चल जाती है नॉर्मल कैंडल से, सो जब हम ओपन हाई लो और क्लोज जब हमें एक हाइकनाशी चार्ट का कैलकुलेट करना होता है किसी कैंडल के लिए, उसको हम यूज करते हैं हाइकनाशी की जो वैल्यूज होती है कैंडल्स की, ओपन है लो क्लोज, वो किससे ड्राइव होती है, वो आपके कैंडलस्टिक चार्ट से ड्राइव होती है, डिराइव्ड फ्रॉम कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। हमने बेसिक अच्छी बातें कर ली, हमने बेसिक क्या अच्छी बातें करी हैं थोड़ा समराइज करते हैं, फिर सीधा चार्ट पे लेके चलता हूं आप लोगों को, ठीक है। हमने हाइकनाशी के बारे में बात कर ली, दिस इज नॉट अ चार्ट, दिस इज अ इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज दिस इंडिकेट्स ट्रेंड, ये बताता है कि कब एक बड़ी मूव आने वाली मार्केट में, कब एक मतलब एक कंसोलिडेशन में, या मान लो एक डिफरेंट टाइप की कैंडल बन रही है, या हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देखो एवरेज बार के बारे में बात करी, जापानीज ने मैं सारी बातें करी, हाई लो जो ओपन क्लोज जो भी प्राइस होता है वो जो हमारी कैंडल्स चार्ट होती है उससे ड्राइव होता है हाइकनाशी चार्ट का, ठीक है। अब सीधा चलते हैं गाइस चार्ट पे, हमने ये बात कर ली कि ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, सब बात कर ली। अब गाइस मैंने इसमें क्या कर रखा है, ठीक है, अब मैंने इसमें ये कर रखा है साइड बाय साइड कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, ये आपका निफ्टी का जो नॉर्मल कैंडलस्टिक जो होती है आपकी, देखो अब इसमें चेंज कैसे करते हैं, अब आपको मान लो आप कोई भी डीमैट अकाउंट यूज करते हो, ठीक है, अब देखो इसमें ये लिखा आ रहा है हाइकनाशी, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने पहला चार्ट सिलेक्ट कर रखा है, निफ्टी दोनों निफ्टी 50 के चार्ट्स हैं, ठीक है, वन डे का टाइम फ्रेम मैं यूज कर रहा हूँ। अब मैंने इसमें नॉर्मल कैंडल सिलेक्ट कर रखी है, जो कैंडल्स का चार्ट है लेफ्ट हैंड साइड वो खुला हुआ है हमारा, ठीक है, वन डे पे। अब इसमें देखो जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अब ये देखो तो इसमें मैंने खोल रखा है हाइकनाशी का चार्ट, ठीक है, ये भी ये कहाँ भाई भागता रहता है यार, ठीक है। अब देखो वन डे पे हाइकनाशी का चार्ट खोल रखा है, ठीक है, अब कंपैरिजन देखो कुछ डिफरेंस लग रहा है चार्ट में, इसमें ग्रीन रेड बहुत ज्यादा है, उसमें अगर कभी ग्रीन है तो ग्रीन चले ही जा रहा है, अगर कभी रेड है तो रेड चले ही जा रहा है, सो मोटा माटी क्या डिफरेंस होता है भैया, मतलब फर्क क्या है यार दोनों में, देखने में तो सारे सेम लग रहे हैं, देखने में दोनों ही में मतलब कैंडल स्टिक्स हैं। अभी हम खाली पहले हाइकनाशी की बात करेंगे, इसका कंपैरिजन बाद में करेंगे अभी, ठीक है, इसको मैं सिंगल उस पर कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। अभी मैंने खोल रखा है निफ्टी का ये आपका नॉर्मल चार्ट, इसको दोबारा हाइकनाशी करना पड़ेगा हमें, यार ये क्या बात हुई डार्लिंग,
चलो वन डे हाइकनाशी, ठीक है। बट इसमें हम एक चीज देखो, एक चीज हमें क्या देखनी है, इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं तो ग्रीन कैंडल्स बनती चली जा रही हैं, अगर ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं तो ग्रीन कैंडल्स बनती चली जा रही हैं, ग्रीन कैंडल्स, ये भी कैंडल्स ही हैं और कुछ नहीं है, ये भूत नहीं है। और रेड कैंडल्स अगर बन रही है तो रेड कैंडल्स बनती चली जा रही हैं, और अगर वापस मान लो रिट्रेस ले रही है तो ग्रीन कैंडल्स बनती चली जा रही है, और दोबारा जब डाउन ट्रेंड आई, जब पता चला, तो दोबारा रेड कैंडल्स बनती चली जा रही है। और इतनी बड़ी मूव देखो, कितनी कम रेड कैंडल्स हैं, और हमारे चार्ट में भी कंपेयर बताऊंगा, इसमें बहुत ज़्यादा रेड है बीच में। तो वापस भाई समझा, भाई लिख के समझाऊंगा, मज़ा आ जाएगा, एकदम दिमाग खुल जाएगा आपका, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी, पागल हो जाओगे, दिमाग में हाइकनाशी का चुड़ैल आएगी आपके, हाइकनाशी की चुड़ैल, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे कंसोलिडेशन थी, ठीक है, यहाँ पे प्राइस मूव कर जा रहा था, मूव कर जाता, कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लैग एंड पोल जैसी चीज़ थी, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट हुआ क्या, जब एक अप ट्रेंड की हमें मूव दिखने को मिली, जब एक इस कैंडल की क्लोजिंग आई, जो कि क्या था, इट वॉज एन इंडिकेशन, इंडिकेशन फॉर एन अप ट्रेंड, ठीक है, इंडिकेशन फॉर एन अप ट्रेंड, ओके। अब एक चीज देखो, जब कहीं ना कहीं आप इसमें देख पा रहे हो कि जो ग्रीन कैंडल्स है, इसमें जितनी भी ग्रीन कैंडल्स हैं, जो हाइकनाशी का चार्ट है, जो वन डे के टाइम फ्रेम पे हमने खोल रखा है, इसमें जो ग्रीन कैंडल्स हैं उसमें ऊपर की तरफ विक है, ऊपर विक, ऊपर विक से मेरा क्या मतलब है, मतलब जो कैंडल स्टिक्स हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी दिखती हैं, ऐसी या फिर ऐसी, ठीक है। बट जो रेड कैंडल्स हैं, इसमें ये चार्ट देखते रहो अपने, अभी वीडियो की जैसी मेरी खत्म कर लोगे, वीडियो देख के ट्रेडिंग भी खोलना, ठीक है, रेड उसमें ये लगाना हाइकनाशी कैंडल्स, मैं आपको बता दिया कैसे यूज करना है कैंडल्स, इसको हाइकनाशी करना है। रेड कैंडल्स में क्या है, रेड कैंडल्स में नीचे विक है, ऐसे हैं, ये देखो सब में नीचे विक है, सब में नीचे विक है, जो ग्रीन वाली है उनमें सब में ऊपर विक है, सब में ऊपर विक है, इसमें देखो नीचे विक है, ग्रीन में सब में ऊपर विक है, इसमें भी नीचे विक है, ग्रीन में सब में ऊपर विक है, इसमें भी नीचे विक है। सो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है, हमारी जो नॉर्मल कैंडल्स होती हैं, जो हमारा कैंडल स्टिक का चार्ट होता है ना, कंपैरिजन करना है हर चीज से, ठीक है, कैंडल स्टिक का जो नॉर्मल चार्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल है उसमें बोथ साइड विक्स होती है, ठीक है, उसमें बोथ साइड विक्स होती है ना भाई, बात आ रही है, समझ नहीं आ रही, दोनों साइड विक्स होती है उसमें। बट इसमें क्या है, जो हाइकनाशी का चार्ट है इसको हटाते हैं अब, ठीक है। अब हाइकनाशी के चार्ट में क्या है, ग्रीन में ऊपर विक्स, रेड में नीचे विक्स, ग्रीन में ऊपर विक्स, रेड में नीचे विक्स, बताना क्या चाहती है यार, ये बताना ये चाहती है कि दिस इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ कैंडल स्टिक चार्ट, उसी का एवरेज है और कुछ नहीं है। एवरेज क्यों करा गया है, टू आइडेंटिफाई क्या, आइडेंटिफाई द ट्रेंड, ट्रेंड किस चीज का, ट्रेंड में अप ट्रेंड चल रहा है भैया या डाउन ट्रेंड चल रहा है, पूरी कहानी इसकी है यार, और कोई कहानी नहीं है। दिस इज नॉट अ चार्ट, यू कैन नॉट ट्रेड बेस्ड ऑन ओनली दिस, दिस इज ओनली एंड प्योरली एन इंडिकेटर, दिस इज सपोज टू बी यूज अलॉन्ग विद, दिस इज सपोज टू बी यूज, सिंस इट इज एन इंडिकेटर, इट इज सपोज टू बी यूज अलॉन्ग विद दिस, जो आपका कैंडल स्टिक का चार्ट होता है उसके साथ आपको हाइकनाशी का चार्ट देखना है, अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, कैंडलस्टिक का चार्ट खोलना है, आधे में हाइकनाशी का चार्ट खोलना है, फिर देखना है क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या मार्केट एक कंसोलिडेशन में है, रेंज ब्रेकआउट हो रहा है। अगर एक चीज़ का ध्यान रखना, रेड कैंडल्स बन रही तो रेड कैंडल्स बनती रहेंगी इसमें, अगर ग्रीन कैंडल्स बन रही है तो ग्रीन कैंडल्स बनती रहेंगी इसमें, क्योंकि अप ट्रेंड यहां से मान लो अप ट्रेंड शुरू हुआ है, ठीक है, मार्केट ने क्या करा है, ब्रेकआउट करा है, ठीक है, तो ग्रीन को कंटिन्यू करेगा। हमारे चार्ट पैटर्न में भी देखेंगे क्या होगा, हमारे चार्ट पैटर्न में हो सकता है बहुत सारी रेड बनी हो बीच में, बट जब हम हाइकनाशी का चार्ट देखेंगे तो हमें पता है कि यार मार्केट में ब्रेकआउट आ चुका है। अगर मार्केट में ब्रेकआउट आ चुका है उसका क्या मतलब है, एक अप ट्रेंड आ रहा है, मार्केट में अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। अगर मार्केट में ब्रेक डाउन हुआ है, हाइकनाशी के चार्ट क्या बताएगा, हाइकनाशी का चार्ट ये बताएगा कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है भैया, डाउन ट्रेंड, खत्म कहानी भैया, खत्म कहानी से क्या मतलब है, दिस इज नॉट टू बी यूज्ड ओनली फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, दिस इज सपोज टू बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर अलॉन्ग विद द कैंडलस्टिक चार्ट, अकेले नहीं यूज करना है, साइड बाय साइड यूज करना है, ब्रेकआउट बताएगा, ब्रेक डाउन बताएगा, ये बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या, अपसाइड की ज्यादा पोटेंशियल है, डाउन साइड की ज्यादा पोटेंशियल है। अब एक काम करते हैं, चलो
ये सब पढ़ लिया ना अच्छे से, दिमाग में बिठा लेना इन सब चीज़ों को। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अभी इस वाली वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे निफ्टी का और आपके हाइकनासी चार्ट का। अब मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में क्या बताऊँगा, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आपको ये बताऊँगा कि हाइकनासी को भी कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी हमने बात करी थी कि हाइकनासी में हमें ट्रेड करना ही नहीं, बट हाइकनासी में आप कैसे ट्रेड करना है, आपको आपको करनी है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग से मेरा मतलब क्या है, जो हमारे शॉर्ट टर्म, जो हमारे मिड टर्म और जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या स्विंग ट्रेडर्स हैं। स्विंग ट्रेडर्स से मतलब क्या है, जिनकी जो पोजीशंस होती है वो एक एक दिन से ज़्यादा की होल्डिंग के लिए होती है, मतलब वो सेम डे बाय सेलिंग नहीं कर रहे। सो उसके लिए मैं इक्विटी, जब आप बाइंग सेलिंग करते हो, जब आप इक्विटी में इन्वेस्टिंग करते हो, जब इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो उसके लिए आपके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। बने रहना, मज़ा आ जाएगा आपको अगर उस स्ट्रैटेजी को देख लिया, उसको आजमा लिया, इट वर्क्स लाइक मैजिक। ठीक है, अब आ जाओ वापस। अब एक काम करते हैं, अब मैं साइड बाय साइड चार्ट खोल रहा हूँ। साइड बाय साइड किस चीज़ का चार्ट खोल रहा हूँ, साइड बाय साइड अब मैं खोल रहा हूँ निफ्टी का हाइकनासी और निफ्टी का नॉर्मल चार्ट। ठीक है, अब इसको वापस चेंज करते हैं हम कैंडल्स में। ठीक है, हो गया भाई, पार्टीशन हो गया। अब एक चीज़ देखो, हमें कब पता चला निफ्टी में, कहीं ना कहीं आपको ऑलमोस्ट सेम लगेगा इसका चार्ट। ऑलमोस्ट सेम क्यों लगेगा, क्योंकि दिस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस। हाइकनासी इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव ऑफ अ कैंडल स्टिक पैटर्न। हाइकनासी इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ अ कैंडल स्टिक चार्ट। इसका डेरिवेटिव होता है आपका हाइकनासी। हाइकनासी डेरिवेटिव क्यों हो गया, अब मेरे को एक चीज बताओ, डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव जैसे FNO में हम बात करते हैं कि फ्यूचर ऑप्शन आर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव्स ऑफ देयर अंडरलाइंग एसेट। जो ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट होती है, ऑप्शन की वैल्यू अगर मान लो आप स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ऑप्शन से कैलकुलेट, जिसका स्टॉक की अगर मान लो रिलायंस एग्जाम्पल 2000 चल रहा है, सो उसमें तो 2000 के स्टॉक प्राइस में जिस हिसाब से मूवमेंट आएगा उसके हिसाब से उसमें ऑप्शन प्राइस में मूवमेंट आएगा। एक इंडेक्स ऑप्शन है, ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन मान लो 21 मान लो 22000 पे है मार्केट, अप्रॉक्सीमेटली 22000 का जो कॉल ऑप्शन है, ठीक है, उसमें इफेक्ट कैसे आएगा, उस कॉल ऑप्शन में ऐसे इफेक्ट आएगा कि जो आपका निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसमें कैसे इफेक्ट आ रहा है, निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स हैं उनमें कैसे इफेक्ट आ रहा है, उसमें कैसी प्राइस मूवमेंट हो रही है, उसके हिसाब से ऑप्शन का प्राइस मूव करेगा। इसमें क्या होगा, जैसा हमारी कैंडलस्टिक चार्ट, जो हमारा कैंडलस्टिक चार्ट है उसमें जैसी कैंडल्स फॉर्म होंगी, उसमें जैसे ओपन हाई लो क्लोज जब कैलकुलेट होगा, उसी के बेसिस पे हाइकनासी का चार्ट पे जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट होंगी, जो कैंडल्स हैं वो बनेंगी। तभी मैं कह रहा हूँ दिस इज हाइकनासी इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव ऑफ कैंडल्स। कैंडल्स क्या, कैंडल्स चार्ट। अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ देखो, सिमिलर चार्ट इसका देखने में सेम लगता है, बट फर्क क्या होता है, फर्क क्या है, दिस इज एन एवरेज, दिस इज एन एवरेज बार। व्हाट डू आई मीन बाय एवरेज बार, एवरेज बार से मेरा मतलब है एवरेज प्राइस। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ क्या देखने वाली इसमें, एक चीज़ ये है, मार्केट में अप ट्रेंड कब शुरू हुआ था, अप ट्रेंड शुरू हुआ था नवंबर 2023, ठीक है, तो अप ट्रेंड यहाँ पे भी नवंबर 2023 में शुरू हुआ है। ठीक है, 2023 अभी वन डे पे बात कर रहे हैं, ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा आपके लिए, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा, आप लोग पागल हो गए अपने कमरे में दौड़ने लग जाओगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे बहुत सॉलिड अप ट्रेंड देखने को मिला है। अप्रॉक्सीमेटली इसका जो 18800 से अभी निफ्टी खड़ा है 22100 के करीब, कितने पॉइंट की रैली है, इतना कैलकुलेट करना आता है, नहीं आता ना, मैं बता देता हूँ, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 3300 पॉइंट्स निफ्टी में, निफ्टी में 3300 पॉइंट। आप लोगों को शायद समझ ना आ रहा हो बट इसकी क्या सिग्निफिकेंस है मैं जानता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, मार्केट 18800 से करीबन 22100 पे खड़ी है। ठीक है, अब हमें क्या पता चल रहा है इससे, यार इसमें भी सेम चीज़ हुई है, इसमें भी बहुत अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला है हमें। ठीक है, बट ये जो अप ट्रेंड इसमें बना है ना, जो हाइकनासी में अप ट्रेंड हमें पता चला कि अप ट्रेंड हो सकता है, वो हमें पहले हाइकनासी ने बताया था और उसके बाद हमें कैंडल्स में पता चला था। ऐसा क्यों हुआ, अब एक चीज़ देखो, मैं आप ड्राइंग रिमूव करके बताऊंगा। ठीक है, पढ़ते रहो, नोट करते रहो, नोट्स बनाते रहो। ठीक है, फिर सुबह उठते ही खाने के साथ साथ नोट्स रिवाइज करने हैं मेरे। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ मेरे को, एक चीज़ क्या बतानी है, अभी हमने बात करी कि यार कहीं ना कहीं यहाँ बॉटम बना था। ठीक है, यहाँ बॉटम बना था। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे इसमें भी यहीं बॉटम बना है। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर जो आपका हाइकनासी चार्ट है ना उसमें भी डोजी फॉर्म होती है। ठीक है, ठीक है, उसमें भी बॉटम पे
और टॉप पे डोजी फॉर्म होती है। बट इसमें जो डोजी की सिग्निफिकेंस है ना, जो हाइकनाशी के चार्ट में डोजी की सिग्निफिकेंस है, इट इज मोर वे मोर वैल्यूएबल। मतलब अगर निफ्टी में बन रही है, चलो एक बारी के लिए छोड़ो, उसमें भी छोड़नी नहीं है, बट इसमें जो सिग्निफिकेंस है ना, इसमें जो सिग्निफिकेंस है वो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल से मेरा मतलब क्या है, अगर यहाँ पे जो डोजी बन रही है उसकी सिग्निफिकेंस 100% की है, यहाँ पे 1000% की है, इतना ज़्यादा फर्क है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, 1000% की सिग्निफिकेंस है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, ठीक है, चार्ट ऊपर कर देता हूँ, शायद आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। रुको, चार्ट ऊपर करता हूँ थोड़ा। अब एक चीज़ देखो, अब दिख रहा होगा अच्छे से, एकदम ब्यूटीफुली। ठीक है, अब ये देखो, इसका भी चार्ट ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ मेरे को, हमें ये पता है कि जो हमारी डोजी है, डोजी क्या बताती है, डोजी बताती है, क्या बताती है, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बता देना डोजी क्या बताती है, जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में क्या बताती है। डोजी बताती है कि मार्केट में क्या है, जल्दी बताओ, मार्केट डोजी क्या बताती है, डोजी ये बताती है आपकी मार्केट में जब फॉर्म होती है ना, ये जितने ज़्यादा टाइम फ्रेम पे फॉर्म होगी उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इसकी। ठीक है, वो चाहे कोई भी चार्ट हो, जितने ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम पे, मान लो 1 डे पे, 1 वीक पे, उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी। डोजी बताती है आपकी मार्केट में कि मार्केट की जो डायरेक्शन है, मार्केट को यही नहीं पता कि मैं ऊपर जाऊँ या मैं नीचे, बताऊँ मैं ऊपर जाऊँ कि नीचे जाऊँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, ये बताती है डोजी। डोजी बताती है एक डायरेक्शनलेस मूवमेंट। डायरेक्शनलेस से मेरा मतलब क्या, मतलब बुल्स और बियर्स जो फाइट कर रहे हैं कि प्राइस को ऊपर लेके जाए नीचे लेके जाए, हो क्या रहा है, वो उनका जो मैच हो रहा है, इट इज़ अ ड्रॉ, ना बुल्स जीत रहे हैं ना बियर्स जीत रहे हैं। ठीक है, तो उनके बीच में जो फाइट हो रही है ना, बुल्स का भी स्कोर 0 है, बियर्स का भी स्कोर 0 है, बुल्स का भी स्कोर 10 है, बियर्स का भी स्कोर 10 है। तो होता क्या है, जब ऐसा स्कोर, जब मैच होता है ना बुल्स और बियर्स का और स्कोर इक्वल होता है, तो आपकी फॉर्म होती है डोजी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब आई थिंक इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैंडल हमारी जो कैंडल स्टिक, हमारा जो चार्ट होता है उसके अंदर। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, यहाँ पे बॉटम बना था, ठीक है, ये 1 डे का चार्ट है निफ्टी का ही, ठीक है, नॉर्मल हमारी कैंडल्स जो होती हैं, दिस इज़ हाइकनाशी चार्ट और यहीं पर बॉटम फॉर्म हुआ है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, बींग अ ट्रेडर, अभी मैं आपको जितनी भी चीज़ें सिखाई हैं आपको पहले किस में पता चल रहा है, पहले आपको किस में पता चल रहा है कि यहाँ पे मान लो मार्केट का बॉटम फॉर्म हुआ है, क्या कैंडल्स में आपको पता चल रहा है या फिर आपको हाइकनाशी में पता चल रहा है? 3, 2, 1, 5 सेकेंड दे रहा हूँ, सोचो, आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड, सोचो इसके बारे में, 1, 2, 3, 4, 5, चलो आई होप आपने आंसर करा होगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे बनी है डोजी, ठीक है, और डोजी बनी है बॉटम पे, ठीक है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी सिग्निफिकेंस है ट्रेंड रिवर्सल की, ठीक है, इसकी इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है कि बता रही है ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और क्या बता रही है, कि जो प्राइस है ना वो हो सकता है रिवर्स हो जाए, ठीक है। और आप एक चीज़ देखो यार, भाई हम हाइकनाशी की बात करेंगे, यार डोजी फॉर्म हुई है बॉटम पे करीब नवंबर में, ठीक है, नवंबर की स्टार्टिंग में फॉर्म हुई है। अब इसमें देखो, इसमें तो देयर इज नो डोजी, इसमें भैया देयर इज नो डोजी, तो हमें इसमें कैसे पता चला कि जो ट्रेंड है वो रिवर्स करने वाला है, इसमें पता कैसे चला कि ट्रेंड रिवर्स करने वाला है, भैया इसमें पता ही नहीं चला कि ट्रेंड रिवर्स करने वाला है, वो चीज़ बता रही है आपकी हाइकनाशी। सो आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन अगेन एंड अगेन, आपका जो हाइकनाशी होता है ना, हाइकनाशी चार्ट होता है, बट चार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो होता है एक इंडिकेटर। इंडिकेटर किस चीज़ का होता है, इट इज़ अ ट्रेंड इंडिकेटर, ठीक है। अब ठीक है, ट्रेंड इंडिकेटर होता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करी। अब एक चीज़ देखो, अब ये भैया बॉटम यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है नॉर्मल कैंडल्स का, ये आपका हाइकनाशी का चार्ट है। अरे यार, एक तो भैया ये महंगे महंगे बोर्ड ना यार, आदत नहीं है ना, गरीब हूँ थोड़ा, तो धीरे धीरे आदत डल जाएगी। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे बॉटम फॉर्म हुआ है गाइस, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसमें बॉटम फॉर्म हुआ है, इसमें यहाँ पे बॉटम फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या देखने वाली, मेन चीज़ ये है, उस हाइकनाशी में डोजी फॉर्म हुई है, नॉर्मल हमारी कैंडल्स ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया, उसमें कोई डोजी फॉर्म नहीं हुई। जब यहाँ पे डोजी फॉर्म हुई ना, एक चीज़ क्या है, एक चीज़ ये है कि जो डोजी है ना, उसका 2-3 दिन तक लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर डोजी का लो ब्रेक नहीं हो रहा और अगर उसका हाई ब्रेक हो गया,
सो हाई ब्रेक से मेरा मतलब क्या है, इट इज द टाइम टू गो लॉन्ग. गो लॉन्ग मेरा मतलब क्या है, जो आपका ट्रेंड है, जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम जो आपके बुल्स हैं, बुल्स का जो स्कोर है ना वो बढ़ने वाला है. सो द मोमेंटम इज नाउ इन अप ट्रेंड. सो जैसे कि हमने बात करी, ट्रेंड इंडिकेटर है हमारा, यहाँ पे एंट्री थी. यहाँ पे एंट्री क्यों थी, क्योंकि जो हमारी डोजी थी, जो हमारी डोजी का हाई था वो ब्रेक हो गया. इसमें कोई डोजी फॉर्म ही नहीं हुई. सो इसमें हमें करेक्ट इंडिकेशन, दिस वॉज नॉट अ करेक्ट इंडिकेशन. करेक्ट इंडिकेशन इसमें नहीं था. करेक्ट इंडिकेशन क्यों नहीं था, बिकॉज हमें कोई पता नहीं चला कि ट्रेंड रिवर्स करने के यहाँ पे क्या चांसेस थे, बिकॉज देर वॉज नो डोजी फॉर्मेशन. ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसमें डोजी का हाई भी ब्रेक हो गया. कैंडलस्टिक की कहानी दोनों में सेम चलती है, बस उस पर थोड़ी फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप की होती है. उसमें अगर ग्रीन कैंडल्स बन रही है तो ग्रीन कैंडल्स बनती चली जाएंगी अप ट्रेंड में. उस अप ट्रेंड में क्या होगा, जैसे इसमें बीच बीच में रेड कैंडल्स बन रही है ना, इतनी सारी रेड कैंडल्स हैं, उसमें नहीं है. अब ये देखो, इसमें कोई रेड कैंडल नहीं है, नो रेड कैंडल. नो रेड कैंडल क्यों नहीं बनी, क्योंकि जो हमारा ट्रेंड था ना मार्केट का, जो हमारा मार्केट का ट्रेंड था वो अभी भी अप ट्रेंड में था. जब तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड है आपके हाई कनाइसी चार्ट में, भैया रेड कैंडल नहीं बनेगी. ऊपर के ट्रेंड में जब अप ट्रेंड की ज़्यादा पोटेंशियल है, देर इज़ नो रेड कैंडल. अब एक चीज़ देखो, जब यहाँ पे हल्की सी मार्केट रिट्रेस ले रही थी, कुछ भी ले रहो रिट्रेस कर रही थी, सो हुआ क्या, इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ कि देर वॉज नो ग्रीन कैंडल. क्यों, क्योंकि क्यों बताओ भैया क्यों, क्योंकि रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि बिकॉज दिस वॉज अ डाउन साइड मूव, डाउन ट्रेंड. डाउन ट्रेंड में क्या होगा, डाउन ट्रेंड में अगर रेड बन रही है ना तो रेड ही बनती रहेगी. जब हाई कनाशी में एक अच्छे लेवल पे, मान लो मार्केट ने एक अच्छी रैली दी है, ठीक है, और डोजी फॉर्म हो रही है, तो गाइस जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि अगर मान लो हमारी मार्केट, हमारी जो स्टॉक मार्केट, हमारा जो इंडेक्स, हमारा जो स्टॉक है, कुछ भी बात कर लो आप, उसने अगर रैली दी है, कोई एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिया ना, और अगर मान लो आपकी जो डोजी है वो आपके इस वाले चार्ट में नहीं फॉर्म हुई, आपके इस वाले चार्ट में, इस वाले से मेरा मतलब क्या है, आपके हाई कनाशी चार्ट में डोजी बन रही है टॉप पे, और उस डोजी का लो ब्रेक हो रहा है, भैया सारा जो सामान है ना, अगर मान लो आपके पास ऑप्शंस आपने होल्ड कर रखे हैं, ठीक है, आपने फ्यूचर्स ले रखे हैं, सो हुआ होगा क्या, क्या सिग्निफिकेंस है, इट इज अ टाइम फॉर अ करेक्शन. एक करेक्शन का टाइम आ चुका है मार्केट में, और वो डोजी जो हमारे हाई कनाशी चार्ट में बनी है वो हमें यही बताना चाहती है. बट हमारा क्या काम है, हमें उसको सुनना है, उसको पहचानना है, उसके इमोशंस फील करने, जो हाई कनाशी चार्ट है हमारा. भैया एक चीज़ का ध्यान रखना, चीज़ें हैं वो ऐसे ही नहीं है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होती है इन सब चीज़ों की. ये चीज़ ऐसे ही नहीं बनाई गई, कोई रीज़न था इसका पीछे, और उसके पीछे रीज़न यही था कि दिस इज़ अ ट्रेंड, ब्यूटीफुल ट्रेंड इंडिकेटर. इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेंड इंडिकेटर, भैया पहले बता देगा आपको. अब दोबारा कंपेयर करते हैं, ब्यूटीफुल ट्रेंड इंडिकेटर की मैंने बात करी, अभी चीज़ देखो. तो गाइस जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि अगर मान लो हमारी मार्केट, हमारी जो स्टॉक मार्केट, हमारा जो इंडेक्स, हमारा जो स्टॉक है, कुछ भी बात कर लो आप, उसने अगर रैली दी है, कोई एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिया ना, और अगर मान लो आपकी जो डोजी है वो आपके इस वाले चार्ट में नहीं फॉर्म हुई, आपके इस वाले चार्ट में, इस वाले से मेरा मतलब क्या है, आपके हाई कनाशी चार्ट में डोजी बन रही है टॉप पे, और उस डोजी का लो ब्रेक हो रहा है, भैया सारा जो सामान है ना, अगर मान लो आपके पास ऑप्शंस आपने होल्ड कर रखे हैं, ठीक है, आपने फ्यूचर्स ले रखे हैं, सो हुआ होगा क्या, क्या सिग्निफिकेंस है, इट इज अ टाइम फॉर अ करेक्शन. एक करेक्शन का टाइम आ चुका है मार्केट में, और वो डोजी जो हमारे हाई कनाशी चार्ट में बनी है वो हमें यही बताना चाहती है. बट हमारा क्या काम है, हमें उसको सुनना है, उसको पहचानना है, उसके इमोशंस फील करने, जो हाई कनाशी चार्ट है हमारा. भैया एक चीज का ध्यान रखना, चीज़ें हैं वो ऐसे ही नहीं है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होती है इन सब चीज़ों की. ये चीज़ ऐसे ही नहीं बनाई गई, कोई रीज़न था इसका पीछे, और उसके पीछे रीज़न यही था कि दिस इज़ अ ट्रेंड, ब्यूटीफुल ट्रेंड इंडिकेटर. इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेंड इंडिकेटर, भैया पहले बता देगा आपको. अब दोबारा कंपेयर करते हैं, ब्यूटीफुल ट्रेंड इंडिकेटर की मैंने बात करी, अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ ये देखो, अब ये देखो, जो मैंने हमने मूवमेंट, ये हमारा बॉटम था, ठीक है, अब ये इसको ऐसे लगा लो, ठीक है. एक चीज़ मैंने आपको क्या बोली थी, जब ग्रीन कैंडल्स उसमें बनती हैं तो वो बनती चली जाएंगी, और इसमें वो कहानी नहीं चलती. अब इसमें वो कहानी क्यों नहीं चल रही है, अब एक चीज़ देखो, ये जो पूरी मूवमेंट थी, ठीक है, इसमें यहाँ पे ग्रीन प्लस रेड दोनों कैंडल है, पर वो एवरेज नहीं ले रही, वो ट्रेंड नहीं बता रही. बट सिंस हमें पता है, ट्रेंड नहीं बता रही, बट सिंस हमें पता है मार्केट्स आर इन अप ट्रेंड, तो हमारा हाई कनाशी चार्ट जो है वो क्या बता रहा है, हाई कनाशी चार्ट ये बता रहा है, भैया अगर कुछ भी खरीद रखा है, कोई भी कॉल ऑप्शन खरीद रखा है, पुट ऑप्शन बेच रखे हैं, आपको क्या करना है, आपको आपकी पोजीशन होल्ड करनी है, क्योंकि यहाँ पे एक भी नॉट
इवन अ सिंगल रेड कैंडल। भैया एक तो बनने दो, एक भी नहीं बन रही यार, एक भी रेड कैंडल नहीं है हाइकन राशि में, तो आपने क्यों एग्जिट करी अपनी पोजीशन, आपने क्यों रिवर्सल ट्रेड कर लिया एक ग्रीन एक रेड कैंडल पे, एक निफ्टी की रेड कैंडल पे आपने क्यों रिवर्सल ट्रेड कर लिया? आपको वेट करना है डोजी फॉर्मेशन का, वेट करना है हाइकन राशि में, देखना है कि जो कैंडल का हाइकन राशि में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है। हम अपने चार्ट में क्या देख रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे मान लो एंट्री है हमारी, ठीक है, हमें क्या इंश्योर करना है कि पहली बात तो ट्रैप में एंट्री नहीं करनी, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें इंश्योर करना है कि जो हमारी कैंडल फॉर्म हुई है वन डे की, उसका हाई ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है प्लस कैंडल क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो लॉन्ग जाना है, ठीक है, लॉन्ग। और अगर मान लो लो ब्रेक हो रहा है प्लस कैंडल क्लोजिंग देखने को मिल रही है और जो कैंडल है वो सस्टेन भी कर रही है, कैंडल का सस्टेन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी कैंडल सस्टेन करनी चाहिए, ठीक है, तो इसमें लॉन्ग जाना है, इसमें लॉन्ग जाना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, थैंक यू सो मच, और इसमें जाना है शॉर्ट, ठीक है भाई, इसमें भी सेम कहानी है, ठीक है। ये इतनी जो कैंडल्स फॉर्म हुई, ये जो इतनी कैंडल्स फॉर्म हुई, किसी एक का भी लो ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक एक का भी नहीं हुआ, सो अभी भी क्या है, अभी भी वी आर इन अ बुल रन यार, क्यों शॉर्ट कर रहे हो मार्केट को? अगर 22,000 के ऊपर खुल रही है तो ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे भाई पुट ऑप्शन खरीद लिया मैंने तो, और अब मार्केट का देखना गैप कवर को, भाई मार्केट का गैप कवर नहीं होगा, हाइकन राशि के चार्ट को देखो, हाइकन राशि की कैंडल देखो, क्या कैंडल बन रही है उसमें, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ अ बुल रन, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन फॉर एन अप ट्रेंड, ठीक है। सो गाइज आज हमने थोड़ा कंपैरिजन की बात करी, हमने आज और भी काफ़ी बातें करी, हमने पूरी अच्छे से गुफ्तगू करी है हाइकन राशि के बारे में, चार्ट्स को दोनों के कंपेयर करा, और गाइस बट अब जो मेरी फॉलोइंग वीडियो होगी उसमें मैं लेके आऊँगा कि हाउ टू ट्रेड, जिसे कि हमने बात करी कि ट्रेड करना ही नहीं, बट उसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें आप इक्विटी इन्वेस्टिंग, आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग, चाहे वो आपका इंडेक्स हो, आपका ऑप्शन हो, आपका स्टॉक ऑप्शन हो, स्टॉक ऑप्शन में भी स्टॉक का प्राइस को देख के, उसकी मूवमेंट्स को देख के, दोनों के चार्ट्स को कंपेयर करके, नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट को और जो आपका हाइकन राशि का चार्ट है, दोनों को कंपेयर करके एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए जो फॉलोइंग वीडियो रहेगी। आज हमने ए टू जेड सारी चीज़ों के बारे में बात करी, आज हमने लाइन ग्राफ के बारे में बात करी, जो हमारा कैंडल स्टिक होता है उसके बारे में बात करी, हमने हाइकन राशि के बारे में बात करी, एवरेज के बारे में बात करी, इसका जो हाई लो ओपन क्लोज जो प्राइस होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात करी, हाइकन राशि का क्या कॉन्सेप्ट है, एवरेज बार जिसको कहते हैं, एवरेज प्राइस जो होता है वो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। सो गाइज अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं स्ट्रैटेजी दूंगा आपको बहुत सॉलिड एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक विद एग्जांपल्स बताऊंगा विद प्रूफ। सो गाइज आई होप आपको मेरी एक एक्सप्लेनेशन एक हाइकन राशि चार्ट पे कि वो होता क्या है, गाइज इस वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। इस कंटेंट में पता है दिक्कत क्या होती है, इस कंटेंट में ऐसी दिक्कत होती है कि बींग कोचेज बींग ट्यूटर्स हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमें ऑडियंस देख रही है हमें उनको बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है गाइस, क्योंकि ये जो आप कंटेंट देख रहे हो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं होती कि इसको पढ़ते भी कैसे हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। दोबारा बता रहा हूँ, दिस इज अ ट्रेंड इंडिकेटर, दिस इज नॉट अ चार्ट एंड दिस शुड नॉट बी यूज ओनली फॉर ट्रेडिंग। ये नहीं कि सीधा हाइकन राशि अपना खोल लिया, हाइकन राशि खोल के भैया ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। अगर करना भी है तो इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्मॉल टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो रहेगी। सो गाइज प्लीज हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, जो मैं फाइनेंशियल लिटरेसी का मिशन चला रहा हूँ यूट्यूब पे, प्लीज हमारे भागीदार बनिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, फैमिली के साथ शेयर करिए, उनको भी बताइए यार कि हाइकन राशि नाम की कोई चीज़ होती है, हाइकन राशि नाम कोई चार्ट होता है। और गाइज अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है सो गो ओपन अ डीमैट अकाउंट, फ्री लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे हमारे पास, उसमें आपको काफी और चीज़ें आप आईपीओ के बारे में पढ़ सकते हो, आपको और भी आपको जब ट्रेड करना होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डीमैट अकाउंट के थ्रू या आप एक ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करते हो। सो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, उनकी नॉलेज बढ़ाओ, उनको बताओ कि हाइकन राशि का चार्ट क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या सिग्निफिकेंस होती है और क्या बताता है। सो गाइज और कमेंट करो यार, आप कमेंट नहीं करते यार, कमेंट करो कि इंडिया में कहां कहां से देख रहे हो मेरे को, और आपको जो हाइकन राशि का कॉन्सेप्ट है क्या आपको पता था, और कभी आपने हाइकन राशि को यूज़ करा है ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में, आपकी कोई भी जर्नी रही हो, आपने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अपनी ट्रेडिंग अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में हाइकन राशि को यूज़ करा है, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और बेसिक से बेसिक जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जो भी डाउट्स हैं गाइज कमेंट करो, मैं एक एक डाउट को खुद आंसर करूंगा, शर्माना नहीं है, वी हैव टू मोनेटाइज एवरीथिंग, हर चीज़ से पैसा बनाना है हमें, शर्माना नहीं है, जो भी बेसिक्स भाई कुछ भी पूछो मार्केट में से, कुछ भी पूछ लो, स्टॉक मार्केट का फाइनेंस का कुछ भी पूछो, मैं खुद आंसर करूंगा एक एक चीज़ एक एक डाउट, और शर्माना नहीं है। सो गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कीप फॉलोइंग कीप लविंग एंड वील बी बैक विद मोर अमेजिंग कंटेंट, थैंक यू सो मच वॉचिंग, वील बी बैक विद अदर ग्रेट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।